अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़ारूक है और मैं आज बात करना चाहूँगा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है पब्लिकेशंस करने के बारे में। मोस्ट ऑफ़ द पीपल वो अपना मास्टर्स का थीसिस कर लेते हैं या पीएचडी के अर्लियर डेज़ में होते हैं। दे स्ट्रगल विद द पब्लिकेशन इन गुड जर्नल्स। सो आई वॉज़ परेशान होने की बात नहीं है, मैं भी आप में से एक बंदा था जो कि विदाउट एनी रेफरेंस पब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो ही ये पब्लिकेशंस की हैं अभी 5 से 6 अच्छे जर्नल्स में, स्कोपस जर्नल्स में और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स में। सो आई वुड लाइक टू से कि देयर आर फ्यू टिप्स जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके आर्टिकल के पब्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो द फर्स्ट टिप इज़ कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड रेलिवेंट आर्टिकल, जो भी आपको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लगता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, तो आपने मार्केटिंग के आर्टिकल देखना है। अगर आप ब्रांडिंग पे काम करें तो आपने ब्रांडिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने हैं, और अगर आप सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड काम करें तो यू शुड लुक फॉर द सर्विस क्वालिटी रिलेटेड आर्टिकल्स। द सेकेंड टिप इज़ दैट बिफोर यू सेंड द आर्टिकल टू एनी जर्नल, आप देख लें उसके क्या स्कोप, क्या है एम्स एंड स्कोप क्या हैं उस जर्नल के, और आप उनके आर्काइव्स में जाके उनके पुराने आर्टिकल्स पढ़ लें। आपकी फील्ड से रिलेटेड उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं, बेटर रीड दोज आर्टिकल्स और उनको भी आप अपने रेफरेंस में, अपने आर्टिकल में रेफरेंस दें उनका। थर्ड चीज़ है एक कवर लेटर। एक कवर लेटर आपने लिखना है, आपने उन्हें बताना है कि आपकी ये आर्टिकल्स जो है ना आपके जर्नल में पहले पब्लिश हुए हैं, उन आर्टिकल्स में ये गैप बताया गया था और आपने उस गैप को एड्रेस किया है, तो आपका जो आर्टिकल है वो इस जर्नल के लिए सूटेबल है। एंड आई होप इफ़ यू विल वर्क ऑन दीज 3 टिप्स you will get your article published in your desired journal. Thank you so much. That's it. Any suggestion for IT researchers? Yes, same research, same tips would apply for the IT researchers, because at the end of the day आपने यही स्टेप करना है कि आपने अपने फील्ड के जर्नल को देखना है। IT से रिलेटेड करें तो IT के जर्नल्स ढूंढें और फिर उसके बाद उसके उसी जर्नल के आर्काइव्स में जाएं और IT रिलेटेड आर्टिकल देखें। एंड देन आप जो है ना एक कवर लेटर उन्हें लिखें कि आपने जो भी आर्टिकल्स पहले लिखे हुए थे, मैंने उन्हीं को फॉलो करते हुए उन्हीं का गैप जो है ना फिल कर रहा हूँ। सो आप अपने से रेलिवेंट अपने फील्ड के जर्नल में भेज दें। थैंक यू सो मच मिस्टर फारूक।